हाँ जी मित्रों, मैं हूँ मेगा ब्लॉगर। आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना है। हर गेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है, मत भूलना, एक सेकंड लगता है, कर लो सब्सक्राइब। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को डेली YouTube कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो आप लोग को भाई पता होगा कि काफी टाइम से अपनी वीडियोज में यार ध्रुव राठी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी जी को यार डिक्टेटर बोलते हुए आ रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी यार अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं इंडिया के अंदर, बहुत जल्दी इंडिया तो पूरा का पूरा डिक्टेटरशिप के अंदर आ जाएगा इस तरीके से। एंड हमें थोड़ा सा भी यार बीजेपी के साइड या फिर नरेंद्र मोदी के साइड से यार कोई भी रिप्लाई नहीं देखने को मिला था ध्रुव राठी के लिए। एंड काफी सारे लोग तो ये भी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी यार बहुत जल्दी ध्रुव राठी के चैनल को भी डिलीट कराने वाले हैं, बट ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। लेकिन यार जो पीएम नरेंद्र मोदी ने यार इनडायरेक्टली यार ध्रुव राठी के डिक्टेटरशिप वाले स्टेटमेंट को भाई रिप्लाई कर दिया है। यस, बेसिकली होता क्या है कि कल यार पीएम नरेंद्र मोदी जी का एक इंटरव्यू आया एक चैनल के ऊपर, जहां पर भाई इंटरव्यूअर उनसे यही पूछता है कि आपको इंटरनेट पे, आपको टीवी पे लोग यार बहुत ज्यादा डिक्टेटर कह के बुला रहे हैं, क्या आप डिक्टेटरशिप चला रहे हो इंडिया के अंदर? तो जिसमें भाई पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने साइड से काफी ज्यादा भाई एंग्री रिप्लाई किया। उन्होंने कहा, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ नेहरू जी हु बैंड किशोर कुमार सॉन्ग्स नेवर सेफ वेर यूज्ड टू गो पिकनिक एंड सेलिब्रेट बर्थडे बाय हु टॉर्चर्ड जयपुर क्वीन गायत्री देवी हु कमिटेड एट्रोसिटीज ड्यूरिंग इमरजेंसी हु मिसयूज्ड आर्टिकल 356 मोर देन 100 टाइम्स आई एम अब्यूज्ड एवरी डे येट दे से आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी। बेसिकली भाई अगर आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यार यही कहा कि मेरे से पहले भी जब कांग्रेस राज कर रही थी भाई तो बहुत सारे लोग जैसे कि नेहरू जी भी ऑल्सो बहुत सारे कांग्रेस के खुद ही भाई पॉलिटिशियन जो हैं वो लोग यार खुद ही मिसयूज करते थे बहुत सारे आर्टिकल्स का, बहुत सारे लॉज का, खुद लोगों को जेल वगैरह भिजवा देते थे। लेकिन अभी मेरी बातें यार इतनी ज्यादा यार लोगों को डिक्टेटरशिप वाली लग रही है। एंड पहले यही लोग जो है वो कांग्रेस को ये सारी चीजें नहीं बोलते थे। तो बेसिकली भाई पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यार वही कह दिया कि ध्रुव राठी जो है वो भाई कांग्रेस की बातों को तो कभी भी गलत साबित करते ही नहीं है, उनके लिए कांग्रेस काफी ज्यादा सही रहती है। एंड पहले भी यार कांग्रेस ने जब गलती करी थी उसके बारे में तो ध्रुव राठी ने कभी कुछ कहा ही नहीं। आप लोग क्या कुछ सोचते हो भाई पीएम नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट के ऊपर? मुझे अपने ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। तो यार बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। अब जैसे कि आप लोगों को भाई पता ही है कि आशीष चंचलानी जो है उन्होंने अपने चैनल के ऊपर में यार एक साल से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी हुई है, मतलब 13-14 महीने हो गए हैं भाई उनकी न्यू वीडियो को आए। तो उनकी न्यू वीडियो कब आएगी इसका उन्होंने अपडेट दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भाई एक स्टोरी को अपलोड किया जिसमें सबसे पहले आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा एंड उसके ऊपर वो लिखते हैं लेट्स कुक। ऑल्सो अगर आप लोग यार बोर्ड को जूम करके देखो तो वहां पर लिखा हुआ था आक्रमण, तो हो सकता है कि उनकी न्यू वीडियो का नाम यार आक्रमण हो। तो उसी वाली स्टोरी पर रिप्लाई करते हुए उनके रैंडम फैंस ने यार उनको कुछ रिप्लाई किया, जैसे कि ये वाला रिप्लाई आता है, भाई आप 2 साल से क्या कुक कर रहे हो। ऑल्सो एक और भी यार स्टोरी पर रिप्लाई आता है जिसमें यार वो कह रहे थे रहा नहीं जाता, अब तड़प भी ऐसी है। तो आशीष चंचलानी उसे बंदे का भाई रिप्लाई करते हैं जिसमें कहते हैं हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत कीजिए। ऑल्सो जितने भी लोग भाई ये कह रहे हैं आशीष चंचलानी को कि यार उनकी न्यू वीडियो भाई 2 साल से आई ही नहीं है, तो इस पे भी भाई वो रिप्लाई करते हैं अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। उन्होंने क्या कुछ कहा भाई देखिए आप लोग। अब सालों ये क्या अफवाह फैला रहे हो, दो साल लास्ट ईयर मार्च में डाली थी ना, इतना कम टाइम हुआ है, एक ही साल तो हुआ है। दो साल बोलते यार लोग, मन चले डेकेड ही बोल दे यार। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है यार कि आशीष चंचलानी की वीडियो भाई कितने दिन या फिर कितने महीनों या फिर कितने सालों में हमें भाई देखने को मिल सकती है? आप लोग अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो आज भाई मिस्टर बीस्ट हो चुके हैं 26 साल के एंड अपने बर्थडे के ऊपर भाई उन्होंने एक बहुत ज्यादा क्रेजी गिव अवे रख दिया है। यस भाई, वो कर रहे हैं यार 26 टेस्ला का गिव अवे। इसी के रिलेटेड उन्होंने भाई अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी को अपलोड किया, आप लोग देख पाओगे। एंड उन्होंने कैप्शन में लिखा, इट्स माय 26th बर्थडे सो आई एम गिविंग अवे 26 टेस्लास टू माय followers, like and comment on this post tagging 2 friends to enter. Make sure you are following so I can DM you. If you win a Tesla, winners will be announced on 7 days. Share this to your story and help your friends win a Tesla. LOL. तो यार भाई अगर किसी को भी भाई मिस्टर बीस्ट के ये giveaway में participate करना है, also Tesla जीतना है, तो बस भाई आपको Instagram पे story लगा देनी है। And हाँ भाई, इंडिया के लोगों के लिए ये giveaway नहीं होता, वो सिर्फ US adults और उधर Spain side के ही लोगों के लिए ये सारे giveaways होते हैं। भाई मिस्टर बीस्ट तो भाई इतने giveaways करता है भाई, काश मुझे भी एक Tesla मिल जाए यार तो मजा आ जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो क्या भाई टेक्निकल गुरुजी को यार किसी ने एक्सपोज कर दिया? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बेसिकली हुआ क्या कि यार अभी कल ही टेक्निकल गुरुजी ने अपने चैनल के ऊपर में एक वीडियो को अपलोड किया। इस वीडियो में यार बेसिकली वो यही कह रहे थे कि जितने की स्मार्ट वॉचेस वगैरह आती हैं 2 से 5 हजार के बीच में, वो सारी की सारी भाई जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो फेक होती हैं। एंड जो भी यार वो आपका हेल्थ कंडीशन वगैरह बताती है जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर यार टेम्परेचर या फिर बीपी वगैरह, वो सारी की सारी चीजें भाई उसमें फेक होती हैं, वो पूरी की पूरी स्मार्ट वॉच जो होती है वो
भाई फेक होती है, ऐसा कहना था भाई टेक्निकल गुरु जी का, वो उन्होंने कंप्लीटली एक्सपोज किया था। बट होता क्या है कि एक ट्वीट यार दिव्या टंडन का बहुत ज्यादा वायरल गया, जहां पर भाई वो ये कह रही थी कि जो टेक्निकल गुरु जी हैं उन्होंने पास्ट में खुद ही ऐसे स्मार्ट वॉचेस का प्रमोशन किया हुआ है। तो क्या भाई टेक्निकल गुरु जी ने खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर दिया? वो क्या कुछ कहती है भाई उस क्लिप में देखिए आप लोग, उन्होंने काफी बढ़िया तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन किया। ये ना कि मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा। और मोर और लेस अगर हम बात करते हैं तो ये जो 1000, 1200, 1500, 1800, 2200, 3000 सो कॉल्ड स्मार्ट वॉचेस जो मार्केट में भैया मिल रही है और आपको स्मार्ट बना रही है भैया, मतलब यू नो वर्कआउट ट्रैक कर लेंगी, हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, फिटनेस, कॉलिंग और नोटिफिकेशन, सारा काम ये स्मार्ट वॉचेस कर लेंगी। गाइस इट्स अ ह्यूज 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 स्कैम। नंबर वन तो ये कि ये चीप चाइनीज नॉकऑफ्स है। इस वॉच में है एक बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाला पीपीजी सेंसर जो मेजर करता है आपकी हार्ट रेट, SpO2, स्लीप मॉनिटरिंग, इनबिल्ट गेम्स भी है फॉर फुल एंजॉयमेंट। इस वॉच से ब्लूटूथ वाली कॉलिंग कर सकते हैं, 150 वॉच फेसेस भी हैं और इसकी प्रो स्पॉट ऐप में आपको सारा डेटा एक साथ एक जगह पे मिल। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ, बात कर लेते हैं एक बहुत ज्यादा शॉकिंग ट्विच स्ट्रीमर के बारे में। तो आप लोगों ने भाई दुनिया में अलग अलग टाइप के भाई स्ट्रीमर्स देखे होंगे, चाहे यूट्यूब पे देख लो चाहे ट्विच पे देख लो। कुछ लोग भाई यार लाइव गेम खेल रहे होते हैं स्ट्रीम्स पे, कुछ लोग यार ASMR वगैरह कर होते हैं, ऑल्सो कुछ लोग गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, बहुत अलग अलग टाइप के कैटेगरीज के स्ट्रीमर्स होते हैं। बट होता क्या है कि कल से भाई एक स्ट्रीमर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ट्विच पे, एंड अभी वो रिसेंटली ट्विच को ज्वाइन किया है, मतलब 4-5 दिन पहले। एंड वो भाई एक ऐसे स्ट्रीम करता है जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वो करता है भाई किडनैपिंग लाइव स्ट्रीम। यस, वो लोगों को भाई करके लाता है अपने लाइव स्ट्रीम पे, एंड उसका भाई वो लाइव स्ट्रीम करता है। मैं आपको भाई क्लिप तो नहीं दिखा सकता बिकॉज़ भाई YouTube इस चीज को अलाउ नहीं करेगा, बट हां मैं आप लोगों को कुछ फोटोज दिखा दे रहा हूं। अब लोगों के भाई ये भी ओपिनियन है इस चीज पे कि हो सकता है ये सारी की सारी चीजें भाई स्क्रिप्टेड भी हों। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये सच भी हो सकती है। आप लोगों को क्या कुछ लगता है, अपने ओपिनियंस को, अपने रिएक्शंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। एट ऑल तो भाई अगर ये सच है तो इसके ऊपर भाई जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, एंड भाई उस स्ट्रीमर को पकड़ना चाहिए भाई कि ला रहा है बंदा अपने स्ट्रीम्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं आज शो स्पीड के बारे में। तो भाई आज शो स्पीड ने कोई बहुत ज्यादा क्रेजी काम कर दिया, एंड वो करने की वजह से उनको भाई एक बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है। तो बेसिकली हुआ क्या कि अभी रिसेंटली यार स्पीड अपने चैनल पर भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, और लाइव स्ट्रीम पे भाई उन्होंने एक चैलेंज किया, सोप ईटिंग चैलेंज, मतलब कि भाई वो सोप को खा रहे थे। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि भाई यार ऐसे सोप खाने से आपको बहुत टाइप की भाई बीमारियां हो सकती हैं। इसी वाली चीज का भाई आर्टिकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, लाइक आज शो स्पीड की उस वाली क्लिप को लगा के, जिसमें यार लिखा जाता है कि जो यार सोप है अगर आप उसको खाते हो तो आपको सबसे पहले यार नौसी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ऑल्सो भाई आप लोग को डायरिया तक भी हो सकता है। अब पता नहीं भाई स्ट्रीम को क्या होने वाला है इसमें में से, बिकॉज उन्होंने भाई पूरा सोप का बार खाया था। अगर आप लोगों ने वो स्ट्रीम देखा हो तो मैं आप लोग को इमेजेस भी दिखा दिया हूँ ऑलरेडी। आप लोग क्या कुछ ओपिनियन है आप लोग का मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर शकीब अल हसन के बारे में। आप लोग भाई शकीब अल हसन को जानते होंगे भाई, ये भी यार विराट कोहली की तरह एक बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सियल भाई प्लेयर है। आप लोग को इनका भाई पास्ट पता ही होगा, ये भाई वन ऑफ द ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भाई अपने क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा भाई झगड़ा किया हुआ है, सबसे ज्यादा लड़ाई किया हुआ है। तो होता क्या है कि अभी के टाइम पे इंटरनेट पे भाई शकीब अल हसन की एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर यार वो अपने यार ग्राउंड पर गए हुए थे यार प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, एंड वहां पर एक रैंडम फैन आता है भाई सेल्फी लेने के लिए उनके साथ में, एंड भाई वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे उस क्लिप में। मैं आप लोग को क्लिप से छोटे से पार्ट को दिखा देता हूं, देखिए आप लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं वायरल बड़ा पाव गर्ल के बारे में। आप लोगों को भी मैंने अभी यार पिछली वाली वीडियो में यार बताया था कि जो वायरल बड़ा पाव गर्ल है भाई उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। वो भाई रोड के बीच में भंडारा कर रही थी अपने बेटे के बर्थडे के दिन, तो उनको भाई अरेस्ट कर लिया गया था। बट अभी यार वायरल बड़ा पाव गर्ल की क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर भाई वो रोड पे भाई मस्टैंग GT के अंदर घूम रही है। अरे यार वो ठेला लगाती है, ठेला लगाने वाले यार मस्टैंग GT में घूम रहे हैं, इसी से यार ये चीज बहुत ज्यादा वायरल होने लगा। बट एक क्लिप यार और भी वायरल हुई वायरल बड़ा पाव गर्ल की, जहां पर यार वो एक चीज को बताती है कि वो एक बहुत जल्दी क्रेजी अनाउंसमेंट करने जा रही हैं। उन्होंने भाई क्या कुछ कहा था उस वायरल क्लिप में देखिए आप लोग। भाई मेरे सामने खड़ी हुई है मस्टैंग और मस्टैंग के आसपास इतने सारे लोगों ने भीड़ लगा रखी है, तो चलिए जानते हैं भैया इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है आपने यहाँ पे। और ये भाई मस्टैंग खुद ही देखते हैं भाई मस्टैंग के अंदर से क्या निकलने वाला है। ओ भाई साहब, भाई दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल मस्टैंग के अंदर घर के रही है। वड़ा पाव, वड़ा पाव बेच रहे हो? हाँ जी। मतलब दुकान कहाँ गई? दुकान कहाँ थी, रेडी थी भाई। सॉरी रेडी, तो मतलब रेडी को छोड़ के सीधा मस्टैंग में? इंतजार करो कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। अच्छा, वड़ा पाव के साथ जोरदार।
बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है भाई कि वायरल वड़ा पाव गर्ल भाई क्या क्रेजी करने वाली है? अपने ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं आईपीएल हिस्ट्री के वन ऑफ द कंट्रोवर्सियल विकेट के बारे में। बेसिकली भाई हुआ क्या कि कल था भाई राजस्थान रॉयल वर्सेस दिल्ली कैपिटल का मैच। ऑल्सो भाई दिल्ली कैपिटल्स ने कुछ यार 222 रन के आसपास स्कोर किया था एंड राजस्थान रॉयल को भाई इसको चेज करना था। ऑल्सो राजस्थान रॉयल का जो कैप्टन है संजू सैमसंग वो बहुत बढ़िया तरीके से चेज कर भी रहे थे। 86 रन भाई उन्होंने इन टोटल स्कोर भी कर दिया था। बट 86 रन बनाने के बाद में यार संजू सैमसंग का एक कैच आउट हो जाता है जो कि कैच आउट भाई बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल था। आप लोग भाई देख पा रहोगे एकदम बाउंड्री पे कैच को पकड़ा गया था। ऑल्सो जूम करने पे भाई लोगों को ये लग रहा था कि ये भाई बाउंड्री को टच कर गया है। कुछ लोग को ये लग रहा था कि भाई ये कैच जो है वो बाउंड्री को टच नहीं किया। तो इस चीज पे भाई संजू सैमसंग जो है वो अंपायर पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। आप लोग भाई देख पा रहोगे इमेजेस से हमें यार क्लियरली पता चल रहा है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल विकेट था। ऑल्सो भाई जिस तरीके से भाई डील किया था संजू सैमसंग ने अंपायर के साथ में काफी गुस्से हुए में उसके वजह से संजू सैमसंग की भाई 30% मैच फी को भी काट लिया गया। ऑल्सो राजस्थान रॉयल जो है वो मैच को हार भी गई। आप लोग का क्या कुछ ओपिनियन है भाई इस चीज के ऊपर मुझे अपने ओपिनियंस को आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं एक बहुत ज्यादा क्रेजी इन्वेंशन के बारे में। आप लोगों ने यार इंडिया में ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यार देखी होगी कि रोड्स वगैरह यार बीच बीच में टूट जाते हैं। तो बहुत जल्दी यार अभी के टाइम पे यार एक नई टेक्नोलॉजी आने वाली है रोड्स बनाने में कि रोड यार ऑटोमेटिक खुद ही को हील कर लेंगे। मतलब यार जो रोड्स हैं वो जब भी यार खराब होंगी या टूट जाएंगी तो यार इस तरीके से वो रोड का इन्वेंशन किया जाएगा कि वो भाई ऑटोमेटिक खुद को ही बना लें। मतलब कि जैसे कि यार प्लेन वगैरह में सिस्टम होता है ऑटोमेटिक वाला उस टाइप से। आप लोग का क्या कुछ रिएक्शन है भाई इस चीज पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो गाइस बस अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी। आगे जो भी न्यूज़ मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट बता दूंगा। यार हर के चैनल को सब्सक्राइब करना यार मत भूलना। एक सेकंड लगता है कर लो सब्सक्राइब। यहां पर मैं आप लोग को डेली यूट्यूब कम्युनिटी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज भाई सबसे पहले देता रहता हूं। और तो अगर आप लोग मुझे कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो न्यूज सबमिशन की लिंक जो है वो आप लोग को भाई डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग वहां पर जाकर मुझे कोई न्यूज सबमिट करोगे तो डेफिनेटली यार गाइस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।